आदमी चाहता है कि कोई मुझे गाली ना दे, तो सबसे पहले चाहिए कि वो दूसरों को गाली ना दे। तो वो चाहता है कि कोई मेरी बीवी बच्चों को, मेरी घरवाली जो औरतें ख्वातीन को कोई बुरी नज़र से ना देखे, तो उसे भी चाहिए कि वो भी ना दे। तो आपस में एक दूसरे पर ऐब ना लगाओ। अगर दूसरे के दुनिया के अंदर ऐब छुपाता है तो रोजे कहमत अल्लाह उसकी ऐब छुपाए। और रिश्तेदारों में सबसे पहला हक किसका है? वालिदैन का, माँ बाप का। सबसे पहले उनके हक अदा करना है। मजदूर का हक क्या है? कि वो उसका पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी दे दे। ना मर्द दूसरे मर्द की हंसी उड़ाए, ना औरतें दूसरे औरतों की हंसी उड़ाए, हो सकता है वो तुमसे बेहतर। ये हमारी चीज़ें नमाजें रोज़े, और ये हमको जन्नत नहीं ले जा सकते, क्योंकि अगर हमने लोगों के हक मारे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिही व सहाबी अजमईन। फाऊज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी यशरली सदरी व यस्सिरली अमरी व हलल उक़दतु मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब यहाँ इस हफ्ते वाले दरस कुरान के लिए जमा हुए हैं। अल्लाह के बंदों के हक, इस उन्वान के ताल्लुक से चंद बातें रखने की कोशिश करूँगा। हक किसको कहते हैं? हक यानी कि जिस समाज में, जिस माशरे में हम रहते हैं, तो उस माशरे की कुछ जिम्मेदारी हमारे पर होती है, और हमारी वजह से किसी को तकलीफ़ परेशानी ना आए, किसी मखलूक को, किसी अल्लाह के बंदे को, इंसान को, पड़ोसी को, रिश्तेदार को, तो ये सब चीज़ें हक में आती हैं कि उनको तकलीफ़ ना हो, इजा ना हो, हमारी वजह से कोई परेशानी ना हो, ये सारी चीज़ें उनके हक में हैं। तो हर इंसान के ऊपर हक है कि वो एक दूसरे के हक को अदा करे, और उसके अंदर मुख्तलिफ़, जैसे जैसे उसकी कुर्बत उससे बढ़ती है तो हक उसके बढ़ते जाते हैं। सबसे पहले हक ये है कि वालिदैन, उसके बाद में उसकी बीवी, उसके बच्चे, उसके बहन, उसके भाई, उसके पड़ोस, फिर उसके बाद में और जो पास में मोहल्ले वाले लोग, जो माशरे के अंदर, कॉलोनी के अंदर जो लोग रहते हैं, उसके अलावा फिर मुसाफिर हैं। तो तमाम लोगों के हक अल्लाह ने हमको बतलाए कि इनके हक आपको अदा करना है, और जो हक देने वाले लोग होते हैं उनको अल्लाह पसंद करता है, जो हक मारते हैं तो अल्लाह उनको पसंद नहीं करता है। अल्लाह ने फरमाया सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 107 में अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लाह ला युहिब्बुम मन काना खोवाना असीमा, कि अल्लाह को ऐसे आदमी पसंद नहीं है जो हक तलफी करते हैं और गुनहगार। तो अल्लाह ऐसे बंदों को पसंद नहीं करता जो लोगों का हक मारते हों। तो हक देना, जो हक मारे, लेकिन आज माशरा ऐसा हो चुका है कि जो जितना हक मारता है वो इज्जतदार समझा जाता है, यानी जिसने जिसके हक ज़्यादा मारे हैं तो उस आदमी की इज्जत की जाती है, बल्कि लोग उसको ताकतवर समझते हैं कि भाई ये बोले, ये देखो इस आदमी के पास कुछ नहीं था लेकिन इसने इतनी ज़मीनें कब्जा ली, जा जाता अपनी ज़मीन को बढ़ा लेता, ये ज़मीन कब्जे में, वो खेत कब्जे में, और आज ये पूरा लैंडलॉर्ड बन के बैठा हुआ है। तो उसकी लोग इज्जत करते हैं कि हाँ, इनके सामने कोई नहीं टिक पाता। तो हक मार रहे हैं लेकिन आज उनको इज्जत दी जाती है लोगों के, जो हक मारते हैं। जो बंदों के हक मार रहा है कि उसके ऊपर हुकूमत कायम करने की कोशिश कर रहा है, उसको धमका रहा है, उसके जो हक है पूरे नहीं दे रहा है, कमज़ोर आदमी है तो उसको दबा रहा है या उस पर दादागिरी कर रहा है, तो उसको बड़ा समझाता है कि हाँ ये बड़ा आदमी। तो मामला हक देने की बजाय ये हो रहा है कि हक मारकर लोग खुश हो रहे। तो आज मामला हम ये देखते हैं कि जो जितने हक मारता है तो उसको लोग ज़्यादा अच्छा समझते हैं, बजाय इसके कि जो लोग हक देता है, हक देता है तो उसको ये लोग समझते हैं कि अरे ये क्या आदमी है, हर चीज़ के अंदर जो बोलो झुक जाता है, जिस बात की बोलो दे देता है, अरे ये क्या आदमी, इससे तो नहीं गाय, इससे तो कोई भी छीन लेगा। तो उसकी इज्जत नहीं होती, इज्जत उसकी होती है जो खुद छीन लेता है, हक नहीं देता। तो माशरा आज इतना बदल चुका है, जबकि अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह उस बंदे को पसंद करता है जो हक तलफी ना करे और लोगों के हक को अदा करे। हक हुकूकुल इबाद इसको कहते हैं कि अरबी में इस तरह से कि कोई चीज़ को जहाँ रखी थी उस चीज़ को उठाकर दूसरी जगह रख देना,
तो इसको कहा जाता है कि हक, इसका हक आपने मार दिया, यानी इसका हक जो था जहाँ रहने का वहाँ से आपने इसको हटा दिया, ये हक का माना अरबी में। और हक भी दो तरह के होते हैं, हक एक अल्लाह के हक जो मालिक है, और दूसरा बंदों के हक। तो बंदों के हक, अल्लाह के हक क्या है कि एक अल्लाह को माना जाए, उसकी इबादत की जाए, और उसने जो हम पर हुक्म आयत किए हैं उसकी इबादत के हक, वह उसके हक अदा किए जाएँ। नमाज है, रोज़ा है, जकात है, हज है, ये सारी चीज़ें उसके जो हक है अल्लाह के हक हैं। इसी तरह जहाँ उसने जो कहा कि इन चीज़ों पर भी ईमान रखा जाए, रसूलों पर, फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर, कयामत के दिन पर, तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती हैं। तो ये जो है अल्लाह के हक हो जाते हैं। बंदों के हक यानी एक दूसरे को चीज़ों, उसके जो भी हक हैं, पड़ोस है, रिश्तेदार है, तो उसके हक देना, ये बंदों के हक में से है। चाहे वो हर चीज़ का हक, क्योंकि हक को हर चीज़ को लिख दिया गया है, यानी कि या तो उसके दोस्त हैं, पड़ोसी है, रिश्तेदार है, या इन्वायरमेंट है, यानी ऐसी चीज़ें भी, प्रकृति भी, उसके अंदर पेड़ पौधे, जानवर, ये सारे जितनी मखलूक अल्लाह ने पैदा की उसके भी हक को अदा करें। तो ये सारे हक देना है, क्योंकि वो सारे के सारे अल्लाह के मखलूक है और वो उसके बंदे हैं, तो उसका भी हक अदा करें। और हक ये है कि ऐसा नहीं कर सकता इंसान, ये सोचे मैं मुसलमान हूँ, मैं ईमान लेकर आ गया, मैं नमाज़ पढ़ता हूँ 5 वक्त की, जकात देता हूँ, रोज़े रख रहा हूँ, हज करके आ गया हूँ, तो मैंने हक दे दिया, तो वो हक उसने पूरे नहीं दिया, वो सिर्फ अल्लाह के हक दिए, उनने बंदों के हक नहीं दिए। अब वो इसकी मिसाल इस तरह के, एक आदमी ये कि पटरी जो हम देखते हैं ट्रेन होती है, तो एक पटरी पर नहीं चलती, हमारी जो ट्रेन है पुरानी, नई आती है वो तो चल जाती है आजकल, उल्टी भी चलती है, लेकिन जो मिसाल के तौर पर के पटरी जो होती है या जो गाड़ियाँ होती है वो 2 पहियों पर चलती है, 2 पहिए होते हैं, तो ये है कि एक पटरी पे वो नहीं चल सकती ट्रेन भी। तो उसकी मिसाल ऐसी है कि कोई आदमी फिर एक पटरी पे उसको चलाने की कोशिश कर रहा है, वो दूसरी पटरी का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, यानी अल्लाह के हक तो दे रहा है, बंदों के हक नहीं दिया, तो वो गाड़ी उसकी चलेगी नहीं, उसकी गाड़ी वो चलेगी नहीं। तो ये है कि इंसान सिर्फ ये कह दे एक मुसलमान कि मैंने ईमान को कबूल कर लिया और मैं सब इबादतें करता हूँ, लेकिन अगर वो बंदों के हक नहीं देता तो वो पूरा मुकम्मल उसने ईमान को कबूल नहीं किया, यानी कि वो दोनों के हक बराबर है कि अल्लाह के हक जहाँ दे रहा है तो बंदों के हक भी दें, क्योंकि वही उसी अल्लाह ने फरमाया कि बंदों के हक भी दें। और अल्लाह ने फरमाया सूरह बकरा 100 नंबर 2 आयत नंबर 276 में कि और अल्लाह ताला किसी नाशुक्रे और हक तलफी करने वाले को और गुनहगार को से मोहब्बत नहीं करता है, यानी कि अल्लाह उसको पसंद करता है जो हक तलफी ना करे, वो शुक्र करने वाला हो, वो गुनहगार ना हो, तो अल्लाह जो इसको पसंद करता है। लेकिन मसला ये हुआ कि हमने कई लोगों का आमतौर पर माशरा ये माशरे के अंदर है कि वो अल्लाह के हक तो देते हैं और वो बंदों के हक नहीं देते, ये मस्जिद के अंदर वो मोमिन है और बाहर जाकर वो उनका मामला दूसरा हो जाता है, यानी उन्होंने दीन और दुनिया को अलग कर लिया कि यहाँ है दीन का कोई काम है तो भाई यहाँ पर हमारा दीन है, और वो दुनिया अलग, वहाँ पर हम कुछ भी करें, वो किसी का हक मारे, पड़ोसी का हक मारे, गिराक को चाहे लूटे, दुकानदारी कर रहे हैं तो, जॉब कर रहे हैं तो लोगों से रिश्वतें लें, बोले नहीं वो दुनिया के मामला थे, ये यहाँ मस्जिद का मामला अलग है, तो यहाँ हमारा मामला अलग है, दीन का वो दुनिया का मामला है, दोनों को अलग अलग कर लिया। लेकिन अगर कुरान में हम देखें तो अलग नहीं किया गया, कुरान को अगर मुताला करेंगे तो वहाँ पर जहाँ भी अधिक, जहाँ पर ज़्यादातर ये बात आती है कि अल्लाह ने जहाँ ये फरमाया कि जब भी बात की अल्लाह ने तो वहाँ दीन और आखिरत की बात की, दीन और आखिरत कि ये दीन है और ये आखिरत है, ये दीन है और ये आखिरत, उसकी आखिरत की बात की, दुनिया की बात नहीं की अल्लाह ने कि ये तुम्हारी वो आखिरत और ये तुम्हारी दुनिया है, तो दोनों को साथ में लेकर चलना है। तो हमने दीन और दुनिया को अलग किया कि भाई मेरी तिजारत अलग है, दीन से लेना देने में, तिजारत में जो करूँ, तो उसके अंदर हम देखते हैं कि लोगों के हक मार रहे हैं वहाँ पर, तो मस्जिद के अंदर अलग उनकी मामला रहता है, बाहर जाते हैं तो उनका मामला अलग होता है, वहाँ पूछा जाए तो कहेंगे कि साहब ये तो दुनिया का मामला है हमारा, मस्जिद का मामला है हमारा अलग है। तो दोनों एक जैसा ही है, दुनिया के अंदर ही रहकर हक अदा करना है, बाद में कोई हक अदा नहीं करना है। मिसाल के तौर पर एक आदमी से हम किसी से कहें कि भाई पानी का जहाज चल रहा है, तो कहाँ चल रहा है, पानी में चल रहा है, आदमी यही तसव्वुर करेगा कि ज़मीन पे चलेगा, तो वहीं चलेगा तो पानी पर चल रहा है, तो आदमी कह रहा है मैं दुनिया में चल रहा हूँ, तो यानी वो दीन पर ही चलना है उसको, ये नहीं कि वो दुनिया को अलग कर दे, वो दीन को अलग कर दे, तो उसके साथ में उसको चलना है। तो हमने इसको फ़र्क किया तो लोगों के हक मारे गए, तो इसमें हम इसको भी ध्यान रखें। और हक ऐसा है कि हक तो अल्लाह के रसूल सल्लम नबूवत से पहले भी दिया करते थे लोगों के,
यानी आपकी ज़िंदगी को हम देखें तो पूरी की पूरी आपकी हुकूकुल इबाद यानी बंदों के हक अदा करने की हमको मिलती है। उसके ताल्लुक से कई मुफस्सरीन ने, कई तफसीर निगारों ने लिखा है कि अल्लाह के रसूल सल्लम की पहले की जो 40 साल की ज़िंदगी थी वो यही थी कि आप हर मखलूक के हक अदा करते थे, गरीबों का बोझा उठा देना, उनको सदका खैरात कर देना, जो है मजलूम की मदद कर देना, तो ये आपके काम हुआ करते थे और इसी से आप पहचाने जाते थे, सादिक अमीन आपको कहा जाता था। इसकी कई मिसाल हमको हदीसों में मिलती है कि अल्लाह के रसूल सल्लम को जो है लोग सादिक और अमीन वहाँ पर किया करते थे। लेकिन ये है कि हक जो है तो हक भी पूरे करना है, अल्लाह के भी देना है और बंदों के भी देना है। अल्लाह के रसूल सल्लम फरमाते हैं, ये मुस्नद अहमद की रिवायत है, हदीस नंबर 9699, कि एक साविया अल्लाह के रसूल सल्लम के पास में हक की बात के हक अगर कोई नहीं देता है तो उसकी आला मिसाल है। एक साहब भी आएगा अल्लाह के रसूल सल्लम, मेरे पड़ोस में एक औरत रहती है और वो एक्स्ट्रा इबादतें भी करती है, यानी फ़राइज़ तो पूरे, यानी नमाज वो पूरी पढ़ती है मुकम्मल, रोज़े भी रखती है, जकात भी देती है, हज भी किया है, लेकिन उसके अलावा एक्स्ट्रा और करती है, यानी वो नफिल नमाज बहुत सारी पढ़ती है, यानी तहज्जुद भी पढ़ती होगी, अवाबीन पढ़ती होगी, और भी ज़्यादा पढ़ती है, नफली इबादतें भी करती है, रोज़े भी नफली रखती है, और सदका खैरात भी ज़्यादा से ज़्यादा करती है और हज वगैरह भी ज़्यादा उन्होंने किए, लेकिन ये है कि वो उसका मामला पड़ोसी से अच्छा नहीं, लोगों के हक अदा नहीं करती। अल्लाह के रसूल सल्लम फरमाए कि वो औरत जहन्नमी है, यानी वो इबादत पूरी कर रही वो बल्कि एक्स्ट्रा कर रही है, लेकिन अल्लाह के रसूल फरमा रहे कि जहन्नमी है। क्यों? क्योंकि वो लोगों के हक अदा नहीं कर रही। तो हक अदा करना है, अल्लाह ने कुरान में कई जगह, कुरान को हम पढ़ेंगे तो कई जगह पर हमको ये आयतें उसमें मिलती है, जैसे सूरह नहल 16 आयत नंबर 90 के अंदर फरमाया कि अल्लाह इंसाफ और भलाई, अल्लाह इंसाफ करने वाले और भलाई करने वाले और रिश्तेदारों को हक अदा करने वाले करने का हुक्म देता है कि इनके तुम अदा करो, इनका हुक्म देता है, वो तुम्हें नसीहत करता है ताकि तुम इल्म हासिल करो। क्योंकि यहाँ देखिए, एक तो ये अल्लाह ने कहा कि अल्लाह इंसाफ और भलाई और रिश्तेदारी कर उनके हक अदा करने का हुक्म देता है, और फिर ताकि तुम नसीहत भी करता है तुमको इल्म हासिल करो, क्योंकि इल्म के बिना हम किसी का हक अदा नहीं करेंगे। इल्म होगा तो हमको मालूम पड़ेगा किसका हक अल्लाह ने हम पर कितना रखा, तो इल्म हासिल नहीं करेंगे तो हक भी नहीं देंगे। तो असल आज कभी किस चीज़ की है कि हक क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि लोग इल्म हासिल नहीं कर रहे। तो नसीहत वही है, अल्लाह नसीहत वही कि इल्म हासिल करे, तो इल्म से ही मालूम पड़ेगा कि आपको किसका हक कितना है। तो इल्म हासिल करेगा तो हक देगा। तो बंदों के हक जो है इंसान मार देता है उसके अंदर, तो और सबसे हक जो है मारना ये तो बीवी के हक मार देते हैं लोग, बच्चों के हक मार देते हैं, रिश्तेदारों के हक मार देते हैं, लेकिन ये सब के हक उसको देना है, वो सब के हक बताए गए हैं, यानी पड़ोसी के, गैर मुस्लिमों के, गैर मुस्लिम पड़ोसी है तो उसके भी हक है, ये फ़र्क नहीं है कि हर मुसलमान के ही हक दे, वो गैर मुस्लिम के हक भी है, वो उसका पड़ोसी है तो उसके भी हक उसको अदा करना है। और उसी रिवायत में आगे आता है कि वो एक साबी फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लम के एक औरत है जो मेरी पड़ोस में, और वो औरत फ़र्ज तो अदा करती है, यानी किसी फ़राइज़ पूरे करती है, यानी सिर्फ जो है फ़राइज़ जो आयत किए हैं कि नमाज तो सिर्फ 5 वक्त की नमाज़ पढ़ लेती है, उसके अलावा दूसरी नफली नमाज़ें नहीं पढ़ती, और जो है खाली रमज़ान के रोज़े रखती है, जकात भी इतना ही देती है, लेकिन उसके मामला सबसे, उसके रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से सबसे उसका मामला अच्छा है, वो सबके हक को अदा करती है। अल्लाह के रसूल फरमाता है ये औरत जन्नती है, यानी हक अदा करती है तो वो जन्नती है, और हक कोई नहीं देता है तो वो जहन्नमी है। तो यहाँ इस हदीस से हमको मालूम पड़ जाता है कि हक देने की कितनी अहमियत है, क्योंकि सारे एक चीज़ तो पूरे करने के बाद भी जहन्नमी हो रही है, और जो सिर्फ इतना ही कर रही है जो फ़र्ज किया गया तो उसके लिए कहा गया कि यह जन्नती है। इसी तरह सही मुस्लिम की रिवायत है, हदीस नंबर 6579, कि अल्लाह के रसूल सल्लम से सवाल किया गया, कि अल्लाह के रसूल सल्लम ने खुद सवाल किया, कि अल्लाह के रसूल सल्लम ने सहाबा से पूछा कि मेरी उम्मत का मुफलिस कौन है, यानी मुफलिस यानी गरीब आदमी, खल्लास आदमी, इस पर कुछ ना हो। तो सहाबा ने कहा कि वो मुफलिस तो वो है कि जिसके पास दिरहम ना हो, कपड़े ना हो, फकीट्टा हो, जो फ़कीर हो, तो वो जो है मुफलिस है। अल्लाह के रसूल सल्लम ने फरमाया कि वो नहीं है मुफलिस। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि रोज़े क़यामत एक शख्स आएगा और वो नेकियों का ढेर लेकर आएगा, यानी नेकियों का पहाड़ लेकर आएगा, उसके पास में रोज़े, उसके पास में नमाज़ें और एक्स्ट्रा इबादतें, जकात, सब सारी चीज़ें लेके आएगा, लेकिन उसके बाद में उसका मामला तो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उसने जो फ़राइज़ थे अल्लाह ने जो उस पर हक दिए थे अल्लाह के हक, वो पूरे कर कर आएगा। लेकिन उसके बाद में जब अल्लाह मामला उसका ये वाला तय हो जाएगा अल्लाह के हक का, उसके बाद में फिर फरिश्ते कहेंगे कि अल्लाह
यहाँ पर और बहुत सारे लोग खड़े हैं जो इससे अपना हक मांग रहे हैं, इसने हक अदा नहीं किया दुनिया के, बोले उनको बुलाओ, उनको बुलाया जाएगा और वो फिर उस पर इल्ज़ाम लगाएंगे, इसने मेरा फला हक मारा, मेरी ज़मीन मार ली थी, मेरे को इसने गाली दी थी, मुझे इसने फला किया था, मेरी ज़मीन को इसने ले लिया था, मेरा पैसा इन्हें लौटाया नहीं था, तो फिर उसके सारे नेकियां उनको तकसीम कर दी जाएगी। वो इसी तरह उसकी सारी नेकियां ख़त्म हो जाएंगी, उसके बाद भी लोग बचेंगे तो उसके बाद में फिर वापस से उसके लोगों के क्या है कि अब इसके बाद तो नेकियां नहीं है, तो बोले इनके गुनाह ले लेकर इसके ऊपर लाद दो और उसके फिर गुनाहों का पहाड़ खड़ा हो जाएगा। यानी कि बंदों के हक, इससे भी हमको मालूम पड़ती है कि कितनी ज़्यादा इसकी अहमियत है। तो हक हमको देना है, हर चीज़ के अंदर हक देना है और इसके ताल्लुक से इल्म भी हासिल करना है, यानी हर चीज़ के अंदर। यानी आप दुकानदारी भी कर रहे हैं तो वहाँ भी ग्राहक का हक आपको देना है, जितना पेमेंट आपको वो दे रहा है तो उसके हिसाब से उसको माल देना, उसमें मिलावटें करना या ये ग्राहक को दूसरे ग्राहक को भड़का के अपने पास बुला लेना, ये सारे क्योंकि उस दुकानदार का हक आपने मारा है। अब क्वालिटी आपके पास में अच्छी है तो आपकी क्वालिटी की बात अलग है, लेकिन आपके पास भी वही चीज़ है, वही कंपनी का, उसी से कंपनी से आप भी मंगाते वो भी मंगाते, लेकिन फिर आप उसको भड़का के आप ये करें बुराई करके उसकी दुकानदार की, तो ये सारे हक मानने में से होगा। तो ये है कि यह गाड़ी, ये भी हक मानने में से कि हम जिस तरह से पार्किंग आज करते हैं, आदमी गया किसी दुकान पर तो जाना तो पड़ोस की दुकान पर, वो दूसरे की दुकान पर गाड़ी खड़ी करके चल गया, ये रास्ते में लगा के चल गया, लोग परेशान हो रहे हैं, ये चाहे वो नमाज़ पढ़ने जा रहा हो लेकिन वो उसने गाड़ी को अपनी मर्जी से, अरे भाई आ रहा हूँ 5 मिनट 10 मिनट में आ रहा हूँ, और 10 मिनट में अंदर गया, पता चला वो नमाज़ पढ़ने के बाद किसी से बात करने लग गया, 20 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया और गाड़ी उसकी वहीं पर पड़ी है, उसकी दुकानदारी ख़राब हो रही है, लोग परेशान हो रहे हैं। तो ये भी हक मारने से में से है, ऐसा नहीं कि मामूली चीज़ है कि आदमी गाड़ी पार्क कर चला गया, जो जो लोगों को तकलीफ़ उससे हो रही है तो हक मारना होगा। रोजे कहमत आपको मालूम भी नहीं होगा कि आप तो अंदर थे और बाहर आपने किस किस के हक मारे, तो यहाँ तक उभारा हमको गया है। या पड़ोसी के घर कचरा फेंक देना, या अपने घर से जो निकाल दिया कचरा और पड़ोसी के उधर सरका देना, ये सारे हक मारने के अंदर से है। और आज हम देखते हैं कि पड़ोसी पड़ोसी दुकानदारों के अंदर ये लड़ाई, पड़ोसी के अंदर मोहल्लों के अंदर यही लड़ाई है कि तूने मेरे इधर कचरा डाल दिया, गंदगी डाल दी, तो ये लड़ाई है। तो ये लड़ाई की वजह है क्योंकि हम उसको समझ ही नहीं रहे कि वो उसका हक मारना है, तो ये हक देना है। इस तरह जो है, या जो कुरान में अल्लाह ने फरमाया सूरह माउन के अंदर के पड़ोसी का, ये भी है कि रिश्तेदारों का कि उसको कुछ चीज़ जो बरतने की चीज़ उधार दी जाए, अगर आपके पास में है और ऐसी कोई चीज़ नहीं जिससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, बर्तन उसने मांग लिया, बाल्टी आपसे मांग ली, ये गाड़ी आपसे मांग ली, तो आप दे सकते थे, आप नहीं दे रहे हैं आप जबकि दे सकते थे, तो फिर वो भी हक मारना होगा क्योंकि आप दे सकते थे और आप, अल्लाह ने खुद कुरान में फरमाया कि बरतने की चीज़ को उधार नहीं देते, तो वो भी हक मारने में से आएगा। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही बुखारी की रिवायत है हदीस नंबर 657 कि अल्लाह के रसूल सल्लम ये हक के हक को वाजे के कितना हक का जो अल्लाह के रसूल सल्लम ने ख्याल रखा है वो बताया हमको कि कहाँ तक हक देना है। कि अल्लाह के रसूल सल्लम ने फरमाया कि मेरा इरादा ये है कि अगर कोई लोग जो मस्जिद को छोड़कर बिना किसी शरी उज़्र के अगर वो घर पर नमाज़ पढ़ते हैं तो मैं उनके घर को आग लगा दूँ। एक और रिवायत में आता है कि सही मुस्लिम की रिवायत है हदीस नंबर 1249 के अल्लाह के रसूल सल्लम के सामने दो चीज़ें रखी हुई, तो कहा ये और ये चीज़ जो खाएं वो खा के हमारी मस्जिद में ना आए। वो क्या था? वो लहसुन और प्याज था। क्यों? क्योंकि लहसुन और प्याज खाकर आएगा तो उसकी बदबू हराम नहीं है, वो खा सकते हैं, लेकिन कच्चा अगर खाकर फौरन मस्जिद में चला जाएगा तो उससे क्या होगा, उसके मुंह से बदबू आएगी और उसका जो पास में जो पड़ोसी नमाज जो उसका पढ़ रहा है उसको तकलीफ़ होगी। और मस्जिद के अंदर फरिश्ते भी रहते हैं तो फरिश्तों को भी तकलीफ़ होती है, क्योंकि इंसान को जिस चीज़ से तकलीफ़ होती है फरिश्तों को भी होती है, तो उनको भी तकलीफ़ होगी उस बदबू से। तो जहाँ अल्लाह के रसूल सल्लम ये फरमा रहे हैं कि वो मस्जिद आने के लिए कह रहे हैं कि उसके घर के आग लगा दूँ, लेकिन जहाँ हक मारने की बात आ गई तो कह रहे हैं कि फिर हमारी मस्जिद में ही ना आए वो, यानी नहीं आता तो उसके लिए वही थे, और अगर आता है लेकिन वो अगर इस तरह से आता है कि बंदों का हक मार दे, नमाज पढ़ने भी आ रहा है लेकिन अगर वो बदबू फैला रहा है, ऐसा कोई काम कर रहा है, ऐसी गिजाई खाकर आ रहा है जिससे दूसरों को तकलीफ हो, तो अल्लाह के उसमें मना फरमाया कि हमारी मस्जिद में ना आए। तो ये हक के ताल्लुक से कि अल्लाह के यहाँ तक हक गिनाएं कि इतना हक भी ना मारा जाए कि किसी को आप जो है ऐसी बदबू आप सुनाएं। तो इसके लिए हमको ये दिया गया उससे पहले कि वज़ू दिया गया, अच्छी तरह कुल्ली करके आप वज़ू करें, या ऐसी कोई चीज़ें आप खाते हैं तो वो खाया तो खाए ना, या फिर जो है आप ये सब पूरे उसकी बदबू जो जाहिल कर कर मस्जिद में आए। इसी तरह जो है अल्लाह के रसूल सल्लम ने फरमाया, सही बुखारी की रिवायत है हदीस नंबर 1741
कि अल्लाह के रसूल ने आखिरी हज के मौके पर फरमाया, सहाबा को जो मुखातिब करके फरमाया गया कि तुम्हारा खून और तुम्हारा माल, तुम्हारी इज्जत एक दूसरे पर हराम है। इस तरह हराम है जैसे इस शहर की हुरमत है, जैसे इस दिन की हुरमत है यानी कौन सी, अरफा के दिन की, और इस जैसे इस महीने की हुरमत है यानी कि जिलहिज्जा की यानी हज का वो महीना। तो जैसी इसकी तीनों की हुरमत है ऐसी की ऐसी तुम पर हराम है कि तुम एक दूसरे की इज्जत, उसका खून, उसका माल एक दूसरे पर हराम है, यानी कि तुम किसी की इज्जत ना उछालो, किसी का खून नाहक ना बहाओ, किसी की तुम जो है माल को नाहक ना खा लो, ये सब तुम पर हराम। इसी तरह हराम है जिस तरह से अभी वहाँ फरमाया है तो वहाँ के ताल्लुक से आता है कि हरम के अंदर, यहाँ अगर कोई आदमी दिल के अंदर कोई बात इरादा करता है, बुरी बात सोचता है, तो यहाँ उसके गुनाह को लिखा नहीं जाता है, उसका गुनाह लिखा नहीं जाता है। लेकिन वहाँ हरम में ऐसी जगह है कि जहाँ पर आदमी को बुरा सोचना भी गुनाह का बाइस, वो भी उस गुनाह में शामिल होता है। तो वहाँ के लिए फरमाया कि वो जैसी जो मुकद्दस जगह है तो वहाँ की हुरमत है ऐसी की ऐसी हुरमत मोमिन की है और उसकी मुसलमान की है कि उसकी इज्जत, उसका माल और उसका जो खून तुम पर हराम है। तो और इसके ताल्लुक से कई और भी रिवायतें मिलती हैं। तो लोगों का आज तो हम ये देखते हैं कि इतना तक उभारा गया, लेकिन आज ये मामला है कि लोगों का हक मारने वालों को महान समझा जाता है, उसको बड़ा समझा जाता है जो लोगों के हक मारता है, यानी जो ज़मीनें कब्जे कर ले, ताकत से जो है किसी पर जो है उसको दबा कर रखे, या पड़ोसी को दबा कर रखे, दादागिरी से रखे, या पड़ोसी बेचारा उससे परेशान है, बोलते नहीं जाने दो, बहुत झगड़ालू है। ऐसी औरतें होती हैं कि बहुत ज़्यादा झगड़ती तो लोग उसको सहन करते, पूरे मोहल्ले वाले, इधर पड़ोस भी सहन कर रहा, उधर भी सहन कर रहा, जरा सा कुछ कुछ बोला नहीं कि अभी ये सिर पर चढ़ जाएगी, फिर ये एक घंटे तक बोलती रहेगी। तो ये सब चीज़ें क्या है, हक मारने में से, ये हक मारने में से होता है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया सूरह निसा सौ नंबर 4 आयत नंबर 58 में कि मुसलमानों, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतों को अमान वालों को सौंप दो, और जब लोगों के बीच फैसला करो तो इंसाफ के साथ करो, यानी इसके अंदर भी इंसाफ करो, इसके अंदर भी लोगों के हक ना मारो, यानी अमानत तुम्हारे पास में रखी जाए तो पूरी की पूरी अमानत वैसे की वैसे इसको लौटा दो जो रखी है, और लोगों के बीच में इंसाफ करो यानी उनके फैसला करो तो उनका भी इंसाफ करो, यानी कि इंसाफ होना चाहिए। और आज हम देखते हैं कि इंसाफ तो ये बचा नहीं कि जज तो बैठा है इंसाफ करने के लिए, हालांकि उसमें भी जो है नाइंसाफ़ी होती है, लेकिन फिर भी जज बैठा है, लेकिन वहाँ पर झूठी गवाहियाँ देने वाले आपको लोग मिल जाएंगे। और मैंने तो यहाँ तक देखा कि उसमें ज़्यादातर लोग मुसलमान होते जो पैसे लेकर गवाही देते, पैसे लेकर अदालत में गवाही दे रहे हो, जैसा गवाह जैसा जो बोलने में माहिर होता है, जज के सामने जितना अच्छा बोल सके तो वो वैसे भी इतना उसका जो है चार्ज होता है। झगड़ा है, मियाँ बीवी का झगड़ा है, अड़ोस पड़ोस का झगड़ा है, ज़मीन का झगड़ा है, या खून का झगड़ा है, तो उसके अंदर भी लोग गवाही दे देते कि मैं वहाँ पर था, इसने नहीं किया। तो वहाँ ये सारी चीज़ें, अब ये बहुत बड़े बड़े हक है, झूठी गवाही देना ये तो फिर बड़े कबीरा गुनाहों के अंदर से। तो आज हम देखते हैं कि तो इंसाफ नहीं हो रहा, बल्कि वो इंसाफ को बिगाड़ रहे हैं, इंसाफ करने बैठे भी हैं तो उसके अंदर ये झूठे गवाह, क्योंकि जज किस पे फैसला देगा, जब उसके सामने गवाह और सबूत के ऊपर देगा, अब उसमें गवाह ऐसा आ गया तो उसको देना पड़ेगा। तो लोग यहाँ तक हक उसके मारते हैं, जबकि अल्लाह जो सीरतों में हम पढ़ते हैं तो सहाबा ने इस तरह इन चीज़ों को जो अल्लाह ने बताया और उसके रसूल ने बताया, इस तक उन्होंने अपने अंदर इम्प्लीमेंट किया, अपने आप में अमल किया। कि हज़रत उमर के ताल्लुक से आता है कि हज़रत उमर सीरतों में मिलता है हमको कि हज़रत उमर बार बार ये कहा करते थे, यानी तकिया कलाम था उनका एक तरह से, मकौला जिसको कहते हैं, कि बार बार वो ये कहा करते थे, जब भी होता तो हर दो चार दिन में कोई भी होता उनके सामने ये कहा करते थे कि अगर कोई बशरा के एक गाँव में, बशरा एक गाँव था, तो बोले वो बशरा के गांव में भी अगर कोई एक आदमी अगर वहाँ पर मुसाफिर जा रहा है और उसके गधे के ऊपर उसका माल लदा हुआ है, और उस अगर रोड पर अगर खड्डा है और उस खड्डे की वजह से अगर वो गधा गिर जाता है और उस मुसाफिर का माल उसके मालिक का ख़राब हो जाता है, और उसकी वजह से, ज़मीन की वजह से यानी खड्डे होने की वजह से जो गधे को नुकसान पहुँचता है, चोट लगती है, तो उमर उसको अल्लाह को क्या जवाब देगा जब अल्लाह से पूछेगा तूने गधे का हक क्यों मारा, तूने रोड क्यों सही नहीं किया, क्योंकि हुकूमत अल्लाह ने खिलाफत उनको दे रखी थी। तो यहाँ तक वो सोचते थे, हालांकि वो हो नहीं रहा हो, लेकिन बार बार ये कहते ताकि उनको याद आता रहे कि मेरे को ऐसे हक भी देना है जो मुझे मालूम नहीं तो उनको क्या है? अब कोई कहाँ गिर जाएगा तो उनकी थोड़ी उसके अंदर वो है, लेकिन फिर भी इस हद तक सोचा करते थे कि वो गिर गया तो उसका मुझसे सवाल हो जाएगा, यानी इस तालीमात को, इस अमल को उन्होंने इतना अपने अंदर इम्प्लीमेंट किया, अपने अंदर अमल में और लेकर आए। तो बंदों के हक जो है ये मारना, और हम इसके अंदर हक ये है कि सब
हक कैसे देंगे, हक कैसे अदा करेंगे। हालांकि हक जो है, हक की बात की जाएगी तब, या पड़ोसी के हक की बात की जाए, रिश्तेदार के हक की बात की जाए, बीवी के हक की बात की जाए, शोहर के हक की बात की जाए, औलाद के हक की बात की जाए, तो ये सब के हक की बात जब की जाती तो आदमी सुनता है या पढ़ता है तो समझता, हाँ मेरा हक नहीं दे, औलाद मेरा हक नहीं दे रही, बीवी मेरा बराबर हक नहीं दे रही, ये पड़ोसी मेरा हक नहीं दे रहा, ये रिश्तेदार मेरा हक नहीं दे रहा। लेकिन वहाँ पर क्या देखना है कि हम दे रहे कि नहीं दे रहे, पहले तो हम ये देखें, उसके बाद में फिर देखें कि वो सामने वाला दे रहा कि नहीं दे रहा। पहले तो हम देखें यार, हमने पड़ोसी का बराबर हक दिया कि नहीं दिया, बीवी का हक पूरा दिया कि नहीं दिया मैंने, बच्चों का हक दिया कि नहीं दिया मैंने, रिश्तेदार का हक दिया कि नहीं दिया, उसके बाद फिर सोचे कि हाँ वो दे रहा। वो उसको सोचना ही नहीं है आपको, आप देंगे तो आपको हक मिलेगा, तो हक देने से हक मिलता है। अब उसमें आप लेकर बैठ जाए मेरे हक नहीं दे रहे, तो ये इस तरह से कुरान हदीस को समझा जाना है, तो वो ऐसे ही समझा जाना है कि ये कुरान की आयत मुझसे क्या कह रही है, ये हदीस मुझसे क्या कह रही है, ऐसे समझेंगे तब जाकर आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ हक मुझे हक देना है, मैं दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ, मैं पूरे दे रहा हूँ, उसके बाद वो उससे दूसरों से तवक्को करे। तो इसके अंदर फिर जब देगा तो कोई आदमी चाहता है क्या, कोई मुझे गाली ना दे, कौन पसंद करेगा कि उसको कोई गाली दे, क्या मुझे कोई गाली ना दे, मुझे बड़ा बुरा लगता है, तो फिर उसको चाहिए कि वो किसी को गाली ना दे। और आज तो गाली का मामला तो ऐसा हो चुका है कि गाली बिना तो लोग बात ही नहीं करते, बहुत मुश्किल होता है कि कोई आदमी उसमें गाली ना दे, यानी इतनी लोग गालियां देते हैं, फ़ोन पर आप देख लो तो उसके अंदर गालियां, लोग बैठे तो गालियां मिलते ही गालियां से, वो सलाम कलाम तो कहीं गया, वो आदमी बहुत दिन में उसको दिखा, एक महीने में दिखा, तो सीधा उसको जाकर बोलता अरे कहाँ गया था फला, उसको गाली देकर फिर पूछता है कि एक महीने से नजर नहीं आया, वो चार गाली देता उसके अंदर, और वो भी बड़े खुश होकर बताता, क्यों, क्योंकि वो उनको लगी नहीं रही कि गाली देना कोई बड़ी बात है, चाहे मुसलमान हो, मुसलमान में तो ज्यादा है, और गैर मुस्लिमों के अंदर भी ये चीजें हैं, वो भी नहीं देखते, उनको भी लगता है कि यार गाली देना उनका, अब उन कल्चर में शामिल हो चुका है, इसको आज ये कह सकते हैं कि ये कल्चर में आ गया कि बिना गाली के तो बात ही नहीं होती, जबकि इसके ताल्लुक से तो इस्लाम में तो मना ही है, ये तो गुनाह है गाली देना, बल्कि मजाक उड़ाने तक के लिए मना किया गया, एक दूसरे का मजाक ना उड़ाए, कोई हंसी मजाक ठटेली ना करे, दूसरे को तकलीफ वाले काम ना करे, तो गाली तो फिर बहुत बड़ी बात है, मजाक में मजाक उड़ाने से मना किया गया, तो फिर गाली तो बहुत, और आज गाली इतनी ये है, जबकि इस्लाम में इसके ताल्लुक से बहुत सारी बातें बताई गई, गैर मुस्लिम के अंदर फेर गया, जबकि उनके यहाँ पर भी ये मना है, उनके अंदर भी अगर आपने महाभारत को कुछ आप जानते हो या आपने देखा हो टीवी के ऊपर, तो उसके अंदर भी ये आता था, एक जो शख्स था उसने कृष्ण को गाली दी और उनका आता कि 100 गाली के बाद में अगर दीगे तो फिर उसको कत्ल कर दूंगा, तो फिर उन्हें 101 गाली दी तो मार दिया गया, तो वहाँ देखे अब वहाँ पर भी मिल रहा है कि गाली देना मना है, किसी को गाली नहीं देना, लेकिन आज माशरे का कल्चर हो चुका है, लोग एक दूसरे के गाली बगैर बात नहीं करते, फ़ोन पर देखो तो उतनी गालियाँ उसके अंदर देते रहते हैं, तो इतनी गालियाँ उसके अंदर आज देखते हैं। तो ये कोई आदमी चाहता है कि कोई मुझे गाली ना दे, तो सबसे पहले चाहिए कि वो दूसरों को गाली ना दे। कोई आदमी चाहता है कि कोई मेरे बीवी मेरे बच्चियों को मेरी बहन को कोई ना छेड़े, तो उसको भी चाहिए कि वो भी किसी की बीवी को किसी की बहन को किसी की बच्ची को ना छेड़े, अगर वो चाहता है तो अगर वो चाहता है कि कोई मेरी बीवी बच्चों को मेरे घर वाली जो औरतें ख्वातीन को कोई बुरी नज़र से ना देखे, तो उसे भी चाहिए कि वो भी ना देखे। तो सबसे पहले तो वो खुद दे, वो चाहता है कि कोई मेरी बेइज्जती ना करे, लोग मुझे इज्जत दे, तो उसको भी चाहिए कि वो भी लोगों को इज्जत दे, तो जो देगा तो वो उसको मिलेगा। तो सबसे पहले अपने आप में सुधार करना, अपनी इस्लाह करना, तो ये सबसे जो है सही इसके अंदर बात है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस में फरमाया भी है, यह फरमाया कि सही तिर्मिजी की रिवायत है, हदीस नंबर 2022, हालांकि उलमाओं ने कई जो इसको मुहद्दिसीन ने इसको ज़ईफ करार दिया है, लेकिन इसमें जो बात जो कही गई है वो कही गई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बुढ़ापे में इज्जत हो, तो तुम जवानी के अंदर बूढ़े लोगों की इज्जत करो। इन्हें अगर तुम चाहते हो, क्योंकि अक्सर ये होता है कि बूढ़ों की इज्जत नहीं की जाती है, बूढ़ों को कोई एहतराम नहीं करता, उनकी इज्जत नहीं दी जाती है, क्योंकि बूढ़े हम देखें कि कई जो इंतहाई ज़ईफ़ हो जाते हैं लोग, जहाँ तक एक्टिव है तो ठीक है उनको इज्जत मिलती है, लेकिन जहाँ पर आप देखें तो कई जब ज़्यादा आदमी 80 साल का 75 80 साल का हो जाता है, चलने फिरने के माजूर हो जाता है, तो तब फिर अगर उनके घर भी जाते हैं किसी के, तो बोले कि ये जो है फला ज़माने में अभी 20-25 साल पहले ये वहाँ के जज हुआ करते थे, ये वहाँ के कलेक्टर हुआ करते थे, लेकिन उनकी आज कोई जानता ही नहीं उनको, तो उनकी इज्जत ख़त्म हो जाती है।
तो ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा ना हो कि आप बूढ़े हो जाएं फिर आपकी कोई इज्जत ना करे, तो आप जो है जवानी के अंदर बूढ़े लोगों की इज्जत करें तो फिर आपको भी इज्जत इसमें मिलेगी। इसी तरह सही बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लम फरमाते हैं हदीस नंबर 10 के, अल्लाह के फरमाए कि मुसलमान वो है जिसके हाथों से और उसकी ज़ुबान से दूसरा मुसलमान महफूज हो। यानी मुसलमान वो है, यानी मुसलमान होने का यहाँ पर बताया गया कि मुसलमान वो है जिसके हाथों से और उसकी ज़ुबान से एक दूसरा मुसलमान महफूज हो। और आज हम देखें ये इसके अंदर भी मामला कितना ज़्यादा वो हो गया है कि लोग हक ही नहीं देते, ये उसका जो है उससे हाथों से तो मारने कूटने पे तुले हैं, ज़ुबान से तो कुछ भी कह देना है, इज्जत उतार देना है उसकी, या जो है गालियाँ दे देना है। इस तरह से ही बुखारी की रिवायत है, उसमें फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लम हदीस नंबर 6016 के अल्लाह के रसूल सल्लम ने फरमाया कि मोमिन वो है जिसके फितने से और उसके शर से एक इंसान महफूज हो। वहाँ मुसलमान की बात कही लेकिन यहाँ फरमा दिया गया कि उससे इंसान ही महफूज हो, यानी मुसलमान की बात नहीं है, यदि वो चाहे गैर मुस्लिम हो इंसान हो वो इसके शर से उसके फितने से महफूज हो। तो मोमिन तभी वो हो सकता है, वहाँ मुसलमान कहा या मोमिन कहा, कि मोमिन जब हो सकता है कि उसके शर से उसके फितने से जो है लोग महफूज हो। तो वो तो हर चीज़ के अंदर यानी उसके अंदर उसको महफूज करना है, और महफूज ये है कि खुद तो देना ही है और अपने आप से तो लोगों को फितने से भी बचाना है, खुद के शर से भी बचाना है। उसको गुस्सा आता है तो अपने गुस्से को काबू में रखें, गुस्सा आता है तो फिर वो ज़्यादा लोगों से बात ना करें, अपने आप के अंदर इसलाह करें। इन्हें कि मेरे को तो गुस्सा आता है, ज़रा सा कुछ बोल नहीं दिया किसी ने तो मैं तो चढ़ जाता हूँ। आपको गुस्सा आता है तो आप घर में रहें, आपके लिए बेहतर है, बाहर ना जाए, ज़्यादा बात ना करें लोगों से, आपके गुस्सा अगर काबू में नहीं आता तो पहले तो ये है कि फिर नहीं तो फिर आप मोमिन नहीं है, इंसान उससे महफूज होना चाहिए। और हाथ से तो यहाँ भी फरमाया कि हाथ से हक मारना बड़ा मुश्किल होता है। अब किसी हाथ से महफूज आदमी कैसे रहेगा उसके शर से, तो हाथ से तो मारना मुश्किल होता है कि किसी के हक मारे जाए, क्योंकि कभी कभी आदमी दूसरा ताकतवर भी होता है, कोई पहलवान है पड़ोसी, अब उसके अगर हाथ से हक मारने जाएगा कुछ कहने जाएगा तो वो तो उसके हाथ पैर तोड़ देगा, तो वो बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए उससे तो लोग कम मारते हैं। लेकिन सबसे आसान हक होता है जुबान से मारना, तो वो कितना ही ताकतवर क्यों ना हो तो, लेकिन जुबान से तो बोला जा सकता है जब तक उसको मालूम ना पड़े, तो सारे के सारे लोग बुराइयाँ करता रहता है जुबान से, वो आदमी का ताकतवर उसके सामने नहीं करेगा लेकिन दूसरों के सामने करेगा। अब दूसरे के सामने वो करेगा, वो दूसरा भी अगर कमज़ोर आदमी है तो वो भी सुन लेता है, वो उससे कहता नहीं है, क्योंकि अगर वो कभी उससे कहने जाए और वो ये इनकार कर दे मैंने तो बोला ही नहीं, तो वो बेचारा बीच बीच में ठुक जाता है, तो वो फिर फैलाता रहता है उस चीज़ को, जुबान से उसके लोगों के हक मारता रहता है। तो जुबान से हक मारना बहुत आसान होता है, तो जुबान से हक मारने में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, किसी को गाली दे देना, बुराई कर देना, चुगली कर देना, गीबत कर देना, ये सारी फिर बुराइयाँ उसके अंदर, तो जुबान से ये हक मारने की इसके अंदर ये चीज़ें होती हैं। इस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, सही बुखारी की रिवायत है हदीस नंबर 6474 कि जो आदमी अपनी जुबान, दो चीज़ों की गारंटी मुझे दे दे, एक तो अपनी जुबान की और उसकी शर्मगाह की, इन दो चीज़ों की अगर गारंटी मुझे दे दे तो उसकी जन्नत की गारंटी उसकी जमानत में लेता हूँ। क्योंकि हम देखते हैं कि हक मारना इन दो चीज़ों से ज़्यादा होता है, जुबान से हक मारना यानी गीबत चुगली करना, किसी के खिलाफ भिड़ा देना, किसी की बुराई कर देना, उसके खिलाफ उसको भड़का देना, ये सारी चीज़ें जुबान से होती है। वो शर्मगाह से हक मारना यानी कि आपने किसी शर्मगाह का इस्तेमाल कहाँ करेगा, या तो किसी की बीवी होगी, वो किसी की बहन होगी, किसी की बेटी होगी, किसी की माँ होगी, तो वहाँ पर भी वो दूसरे का हक मारा जाएगा। तो दोनों चीज़ों की अगर कोई गारंटी लेता है तो अल्लाह के रसूल ने उसकी जमानत ली कि उसको जन्नत की बशारत दी है। इस तरह सही मुस्लिम की रिवायत है हदीस नंबर 6580 अल्लाह के रसूल सल्लम फरमाते हैं कि कयामत के दिन अहले हुकूक आएंगे, यानी हक लेने वाले लोग आएंगे। अब उसके अंदर इंसान तो आएंगे ही, लेकिन यहाँ पर जानवर के ताल्लुक से फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लम ने कि अहले हुकूक आएंगे, हत्ता कि एक सींग वाली बकरी ने दुनिया के अंदर बगैर सींग वाली बकरी को सींग मारा होगा, क्योंकि उसके पास सींग नहीं था तो वो बेचारी मार खा गई उससे। तो अल्लाह उसको बुलाएगा दोनों को साथ में, और उसको फिर कहेगा, उसको सींग देकर उसको कहेगा तू भी इससे अपना बदला बराबर कर ले। हालांकि जानवरों के लिए जन्नत तो दोजख का मामला नहीं है, उनको कोई हिसाब किताब नहीं, क्योंकि वो उन पर गुनाह होते ही नहीं, अल्लाह ने उनको इख्तियार नहीं दिया। लेकिन इंसाफ की बात है, हक दिलाने के लिए अल्लाह कहेगा कि किसी का हक मारा ना जाए, चाहे वो चाहे चींटी हो या चाहे वो हाथी हो। तो अब हम सोच सकते हैं कि जब अल्लाह बकरियों को बुलाएगा और उनका इंसाफ करेगा और उनको हक दिलाएगा, तो क्या हम लोगों के हक मार दें, लोगों की जायदादों को जो है कब्जा करके बैठ जाएं, लोगों की इज्जतें उतार दें, जुबान से लोगों को गालियां दे दें,
किसी की जो माँ बेटी से जीना कर जाए और ये सब लोगों के हक मार दे और हमारा हिसाब ना हो, जबकि बकरियों का हिसाब हो रहा है। तो ये सब के हक देना पड़ेगा कि अल्लाह वहाँ पर इंसाफ करेगा और बकरियों के अंदर, यहाँ तक कि जानवर के अंदर भी अल्लाह इंसाफ करेगा। तो हमने क्या क्या किया, किसका किसका हक मारा, तो वहाँ पर सब वहाँ पर आ जाएगा। यानी हर चीज़ के अंदर, ज़मीन के जरिए हो, पैसे के जरिए हो, या जो है किसी को गाली देने का है, किसी को जो है गीबत करने का, चुगली करने का, तो ये अगर सब करते हैं तो फिर वो आदमी सोच ले वो फिर कैसे जाएगा जन्नत, जन्नत कैसे जाएगा जब इतने सारे, अगर वो सिर्फ अल्लाह के हक दे दे, फराइज पूरे कर ले और उसके बाद में तमाम चीज़ें लोगों के हक मारता रहे। और यहाँ तक फरमाया कि जैसे कर्ज के ताल्लुक से, अगर किसी ने कर्ज लिया तो कर्ज भी क्या होता है, ये भी बंदों के हक में से होता है। तो कर्ज अगर किसी ने किसी से कर्ज लिया है, उसके कर्ज को चुकाता नहीं है, और आज तो मामला ये होता है कि आदमी इसी नीयत से लेता है कि इसको जो कर्ज ले लो, चुकाना तो है ही नहीं कि किसी ने कैसे खा जाए, तो आदमी वो बैंक के लोग खा जाते हैं, सबसे ज़्यादा आसान रहता बैंक, तो अब लोग उसमें खाते हैं बैंकों के पैसे, उसमें लोन ले लिया, चुका ही नहीं रहे, उसके बाद नाम बदल के भाग गए, या वहाँ से घर ही खाली कर दिया, अब वो बैंक वाले ढूंढते रहे कि भाई ये आदमी कहाँ गया, बैंक के पैसे कहाँ गए। वो फिर नीचे, ठीक है वो छोटे मोटे तो खा रहे हैं, बड़े बड़े भी खाने वाले, और वो तो हजारों लोगों का पैसा गबन करके भाग जाता, हजारों करोड़ रुपया कितने सारे केसेस हुए वो भाग जाते। तो ये कर्ज के ताल्लुक से ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लम फरमाते हैं, ये सही निसाई की रिवायत है, हदीस नंबर 4688, कि अल्लाह के रसूल सल्लम फरमाया कि कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, जिसकी कुदरत में मेरी जान है, और एक इंसान शहीद हो जाए और फिर जिंदा किया जाए, फिर शहीद हो जाए, फिर जिंदा किया जाए, फिर शहीद हो जाए, फिर जिंदा किया जाए, तीन बार फरमाया कि वो आदमी शहीद हो जाए यानी मर जाए, उसके बाद फिर उसको जिंदा किया जाए। वो शहादत जो है क्या है, ये सबसे बड़ी कुर्बानी, इंसान इस्लाम के लिए क्या दे सकता है, या फिर एक वतन के लिए। शहादत तो हम जानते हैं, शहादत किसी शहीद वो भी है जो दूसरे के लिए शहीद हो जाए, उसकी हिफाजत में शहीद हो जाए, या जो है दीन के लिए शहीद हो जाए, अल्लाह के लिए शहीद हो जाए। तो शहादत का मकाम ये है कि एक इंसान जान से ज़्यादा क्या दे सकता है अल्लाह के लिए, तो शहादत का मकाम है। वो शहादत के ताल्लुक से तो ही फरमाया, अबू दाऊद की रिवायत है हदीस नंबर 2520, कि शहीद का खून जमीन पे गिरने से पहले अल्लाह उसकी मगफिरत कर देता है, और उसकी रूह को एक सब्ज रंग के परिंदे के अंदर डालकर जो जन्नत में छोड़ देता है, और वो उस परिंदे का जो घोंसले होते हैं वो अल्लाह के अर्श के नीचे होते हैं। यानी ये शहादत का मकाम है, तो उसके नीचे होते हैं। लेकिन शहादत का मकाम ये है, लेकिन शहादत के ताल्लुक से भी फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि शहादत, लेकिन जिसके ऊपर कर्ज है, चाहे वो शहीद भी हो, अगर वो शहीद भी हो गया लेकिन उस पर कर्ज है, तो कर्ज है और जब तक उसका कर्ज नहीं चुका दिया जाए वो भी जन्नत नहीं जा सकता। अब आदमी ये सोचे कि दुनिया के अंदर वो किसी का पैसा खा जाए या बैंक का ही खा जाए, उसका लोन गबन कर जाए, तो फिर वो कैसे जा सकता है, जबकि शहीद नहीं जा पा रहा। शहीद के ताल्लुक से उसकी जान दे दी उसने दीन के लिए, तो वो भी नहीं जा सकता उस पर कर्ज हो, जब तक उसके कर्ज को चुकता ना कर दिया जाए तो भी जन्नत नहीं जा सकता। तो ये बंदों के हक है, यहाँ तक बतलाए गए। तो शहीद के ताल्लुक से भी ये फरमा दिया, तो उससे हम फिर सोच सकते हैं जब शहीद नहीं जा सकता तो फिर एक आम आदमी जो लोगों का पैसा गबन कर जाए, खा जाए, तो वो कैसे जा सकता है। इसी तरह जो अल्लाह ने फरमाया सूरह हुजरात सूरह नंबर 49 आयत नंबर 11 में अल्लाह फरमाता है कि लोगों जो ईमान लाए हो, ना मर्द दूसरे मर्द की हंसी उड़ाए, ना औरतें दूसरे औरतों की हंसी उड़ाए, हो सकता है वो तुमसे बेहतर, हो सकता है वो तुमसे बेहतर हो, और आपस में एक दूसरे को ऐब ना लगाओ, ना बुरे लकब दो, और जो लोग इससे बाजना आए तो वही तो जालिम। यानी कि जालिम किसको कहा गया, वो जालिम किसको कहते हैं। जालिम के ताल्लुक से अल्लाह कुरान में भी फरमाया अल्लाह ने कि अगर अल्लाह का अचानक से अजाब आ जाए तो जालिम के अलावा कौन हलाक होगा। वो जालिम कौन है, जालिम उसको कहा जाता है कि जो आदमी जालिम उसको कहेंगे, अगर यूं हम जालिम कहने जाते हैं तो जालिम कौन आता है कि जैसे एक आदमी काफिर है, आपने उसको दीन पेश किया, उसने इनकार किया तो काफिर हो गया, उससे पहले तो वो क्या होता है, गाफिल होता है। किसी आदमी को मालूम नहीं दीन के बारे में, इस्लाम के बारे में, तो आप वो गाफिल है, फिर आप उसको दीन पेश किया तो वो इनकार कर दिया, मैं तो नहीं मानता सब, तो उनने वो क्या हो गया, अब इनकारी हो गया, तो इनकारी को कहते हैं काफिर, उसने कुफ्र किया, इनकार किया। लेकिन और उसके बाद में फिर वो उसमें रुकावट बन गया
कि नहीं मान रहा, लेकिन उसमें रुकावट बनता तो फिर उसने जुल्म किया, जालिम। तो वो जालिम यहाँ पर कहा गया कि वो जालिम है, तो उस लोगों को जालिम कहा गया, यानी एक दूसरे की जो हंसी उड़ाते हैं, तो हो सकता है कि तुमसे बेहतर। औरतों को मना किया खास, औरतों क्योंकि औरतें के अंदर ज़्यादा होता है, औरतें अगर बैठी नहीं थोड़ी देर भी तो उस शुरुआत अगर दीनी मजलिस भी हैं, जिस तरह हम देखते हैं शादी ब्याह के अंदर, आप देखें वहाँ पर महफिल सजाई थी शुरू शादी की, उसको कहा जाता है मिलाद आज, उसके बाद फिर हल्दी का प्रोग्राम होता है, और उसके अंदर फिर वो क्या होता है, स्टार्टिंग तो इसी हो, शुरू में तो ये होता है कि औरतें जमा होती है, तो जैसे जमा होती जाती है तो सारी गीबतें शुरू होती जाती है वहाँ पर। उसके बाद फिर जो एक औरत होती है जो उन सबको दर्स देने आती है या पढ़ने आती है, तो फिर आती है, जब वो शुरू हो जाती है तो फिर सब थोड़े खामोश हो जाते हैं। लेकिन जो अगर ज़्यादा औरतें हैं जो पीछे पीछे बैठी है कोने में, तो उनका तो मामला वही चलता रहता है, और वो वहाँ पर कोई टॉपिक नहीं है, पहले से नहीं है, तो उसके अंदर वो एक दूसरे को देख देख कर एक और आई तो बोले ये बड़ी जो है वो करती है, अपना वो जानी क्या समझती है, शक्ल देखो इसकी, फला इसकी, यानी उनको ये लगता ही नहीं कि ये जो है बुराई है उसके अंदर, शादियों के अंदर या औरतें जमा हो जाए दीनी मजलिस है तो उसके अंदर भी फिर वो दीन का मामला जितना है इतना कर लिया, उसके बाद में बुराई। एक घंटा दर्स था, आधा घंटा था, मस्जिद में भी जा रही हैं, जहाँ निज़ाम है जाने का, तो वहाँ पर भी हो गया, उसके बाद में बैठी हैं तो वहाँ पर फिर गीबत शुरू। वहाँ पर फिर अगर उसकी सास ये बहू है तो वो सास की बुराई करने बैठ जाती है, देखो मेरी सास ने आज पूरे सप्ताह भर में क्या किया, उस पूरे अब महीने भर बाद हम मिले तो पूरे महीने का उसका वो शुरू। फिर अगर सास है तो वो पूरी बहू की जो है वहाँ बुराइयाँ गिनाने बैठ जाएगी, देखो बहू ने ये किया, फला किया, वो किया, यानी ये तो औरतों का ऐसा मामला है। तो यहाँ फरमा दिया गया कि अलग से फरमाया, यानी तो कुरान के अंदर उमूमी हुक्म आता है कि कोई किसी की हंसी ना उड़ाए, ऐसा भी आ सकता था कई कुरान में, तो ऐसे ही ज़्यादातर मामला ऐसे ही है, लेकिन कहीं कहीं पर फ़र्क किया अल्लाह ने कि मर्द और औरत, मर्द औरत, बहुत से जगह फ़र्क किया, जहाँ पे बिल्कुल ज़्यादा तवज्जो दिलानी थी तो यहाँ तवज्जो दिलानी थी कि कोई एक दूसरे की गीबत चुगली बुराई ना करे, तो वहाँ अलग से गिना है कि औरतें औरतों के भी मजाक ना उड़ाए, मर्द मर्द के भी ना उड़ाए। क्यों? क्योंकि वो हो सकता है तुमसे बेहतर हो, और आपस में एक दूसरे पर ऐब ना लगाओ, और ऐब तो है तो भी नहीं लगाना चाहिए, ऐब से तो बचना चाहिए, क्योंकि इसके ताल्लुक से तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अगर दूसरे के दुनिया के अंदर ऐब छुपाता है तो रोजे कयामत अल्लाह उसकी ऐब छुपाएगा, और अगर नहीं छुपाए किसी ने किसी का ऐब और लोगों के सामने जाहिर किया तो रोजे कयामत अल्लाह पूरी कायन जो पूरे मखलूक होगी रोजे कयामत सारी की सारी पूरी दुनिया जमा होगी उनके सामने उसके ऐबों को खोल देगा। तो ऐब के ताल्लुक से तो ऐब से तो बचना चाहिए, और बुरे लकब ना दो, यानी कि आप किसी के नाम ना बिगाड़ें, नहीं तो लोग इसके अंदर या शादियों की महफिल हो गई या जो लोग जमा हो जाते हैं ना उसके बाद में यही होता है, औरतों में भी होता है मर्दों में भी होता है, उसके नाम निकालना, देखो ये जो है आदमी को देख कर कहा ये देखो कल्लू आ गया, ये टिंगू आ गया, ये लल्लू आ गया, औरतें उसके अंदर वो भी कर रही हैं, ये देखिए ये काली कल्लूटी आ गई, ये गिद्दी आ गई, ये दांतली आ गई, तो ये सारी ये कहानी आ गई, तो ये सारे ये लकब देना है, आप उसके सामने बोले उसको बुरा लगता है ये फिर ये गीबत चुगली में चला जाएगा क्योंकि आप नहीं है। तो ये चीज़ों से बचना चाहिए कि बुरे लकब ना दो, और अगर ये सब कोई काम करता है तो वो फिर जालिम, वही जालिम। और आज इसके YouTube के ऊपर आपने देखेंगे बहुत सारे ये वीडियोस चलते हैं, लेकिन लोगों को किस तरह से उनको तकलीफ दी जाए, उनको बेवकूफ़ बनाया जाए, उनकी हंसी टटोले उड़ाई जाए, तो उसके जो है लोग वीडियो होते हैं वायरल भी होते हैं, उनके व्यू लाखों में करोड़ों में पहुँचते हैं। आज ये जबकि मना फरमाया गया इस तरह से कि इस तरह से लोगों को आप बेवकूफ़ बनाएं, तो ये इस तरह के मामले। और इसी तरह हम देखते हैं जो आज ये चलते हैं FM रेडियो वगैरह, रेडियो आप देखिए रेडियो में चलता है मुख्तलिफ अलग अलग बहुत सारे चैनल से, उसके अंदर भी ये होता है लोग इधर फ़ोन लगाते हैं, उसकी मजाक उड़ाई जा रही है, उसको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, उसको क्या कहा जा रहा है, मियाँ बीवी एक दूसरे के खिलाफ उसको भड़काया जा रहा है। अब वो यहाँ तो मजाक हो गया, लेकिन इतना नाजुक रिश्ता होता है ये, वो बाद में तो देखते नहीं इफेक्ट, उस टाइम तो उन्होंने जो करना था कर दिया, वहाँ तो मजाक उसका बना दिया, लेकिन बाद में उसके इफेक्ट बहुत ज़्यादा बुरे होते हैं। वो ने तो उस दो मिनट का उसका मजा था, उसको तो चैनल चलाना था, लोगों को हंसी ठटेले करवाने थे, और उसने कर दिया, बाद में उनकी ज़िंदगी में क्या हुआ क्या मालूम। तो इस तरह के मामला था हम देखते हैं, तो ये अल्लाह ने इसके ताल्लुक से फरमा दिया कि यही लोग फिर जाली में सारे के सारे, अब वो चाहे कितना ही फिर वो जो है इबादतें करता हो तो उसकी इबादत उसके काम नहीं आने वाली है। तो लोगों का हक मारना ये जुल्म है, तो ये लोग भी लोगों के हक के अंदर से हैं। और इसी तरह जो है ज़मीनों पर या किसी के हम देखते हैं कि किसी ने किसी की ज़मीन हथिया ली, मकान हथिया लिया, किराए से लिया, खाली नहीं कर रहा, बोले नहीं, और उस पर भी कवानीन लगाए,
वही अब जो 40 साल तक किराया देता मकान उसका हो जाता है, वो हो जाता होगा दुनिया के कानून के अंदर, लेकिन इस्लाम में नहीं होता। वो 1000 साल बाद भी आएगा, वो इसका मालिक है, उसको देना पड़ेगा आपको, चाहे आपके पुश्ते निकल गए उसके अंदर, आप उसका हक नहीं मार सकते, हक लेना है। उधार लिया चुकाए नहीं, ये भी हक मानना। आपने उधार ले लिया, आपने उस टाइम तो बड़ा जो है सकल बन के चले जाते हैं लोग, और किसी की तो ज़िंदगी ऐसी होती है माशरे में, ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो उधार पर ज़िंदगी चलती है, हर दूसरे से मांगते रहते ला 100 दो 200 दो 1000 दो, अब एक कल ले लेना परसों ले लेना अभी दे देंगे, कोई लाख ले लाए कोई वो, फिर को हजारों करोड़ वाले तो और वही है उधार लेने वाले। अब उसमें उधार ले लिया और फिर उसके बाद में फिर क्या, फ़ोन भी नहीं उठा रहा वो आदमी का, फ़ोन कर रहा है तो उसको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, उसका फ़ोन ही नहीं उठा रहा, तो ये सब भी हक मानना है उसके। अब वो नहीं दे रहा वो तो एक अलग मामला हो गया, लेकिन ये सारे हक मारते जा रहे हैं, आप उसने फ़ोन नहीं उठाया, आपके पास नहीं था तो आप उसको फ़ोन उठा के बोलते, और फिर आपने लिया और वक्त भी नहीं, तो आप वो जो सुनाएगा उसका सुनाने कहा कि आपका सुनने कहा कि उसके सुनने कहा कि वो वाक्य हमको याद है जिसके अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक से कर्ज लिया था और उसकी जो है मुद्दत भी पूरी नहीं, एक मुद्दत अल्लाह के रसूल को दी थी कि इतने वक्त में दे दूंगा, लेकिन वो भी नहीं हुआ, लेकिन किसी के भड़काने की वजह से वो एक यहूदी था तो वो आ गया और आके अल्लाह के रसूल ने तकाजा करने लगा कि मुझे तो अभी के अभी मेरा माल चाहिए, पैसे वापस करो। तो अल्लाह के रसूल सल्लम ने कहा कि भाई अभी तो वक्त ही नहीं हुआ मेरे पास, ये भी नहीं, वो तुम अचानक से आ गए, पूरा जो वक्त जितना लिया उसमें तुमको वापस कर दूंगा। लेकिन वो फिर भी ज़्यादा बोलने लगा तो हज़रत उमर ने कहा अल्लाह के रसूल आप मुझे हुक्म दीजिए, इन्हें वो मारने के लिए उड़ गए। तो अल्लाह के रसूल सल्लम ने उनको मना किया कि उमर ये तुमने गलत बात की, बल्कि तुमको मुझसे ये कहना था कि आप भी इनका माल जल्दी लौटाइए और इनसे कहते कि थोड़ा सा भाई सब्र करो मोहलत, तो ये मारने मारने की तो बात ही नहीं है कि क्या आपने दिया उधार। तो यहाँ अब वहाँ अल्लाह के रसूल सल्लम ये हमको तालीमात दे रहे और हम यहाँ आदमी लेके जो है बेड़िया फ़ोन भी नहीं उठा रहा और हक अदा नहीं किया, तो ये हक में से आएगा, ये भी हक मानने में से। और ज़मीन के ताल्लुक से तो यहाँ तक है कि सही मुस्लिम की रिवायत है हदीस नंबर 4133 के अल्लाह के रसूल सल्लम ने फरमाया कि जो शख्स किसी की एक बालिश भी ज़मीन, एक बालिश कितना होता है 8-9 इंच, किसी का हाथ बड़ा हो गया तो 10 इंच, किसी की एक बालिश भी अगर ज़मीन ले ले तो रोज़े कयामत अल्लाह ज़मीन के बराबर तोक या 7 जमीन के बराबर तोक बनाएगा, यानी एक ऐसा पूरा हसली वगैरह कहते हैं ना वैसा बनाएगा, उसके गले में उसको बोझ को डाल देगा। अब हम सोच सकते हैं कि आदमी 10 किलो किसी गले में डाल दे नहीं उठा सकता, तो ज़मीन के बराबर वजन का तोक उसके डाल दिया जाएगा तो क्या उसकी हालत होगी, इतना बड़ा गुनाह है। कितना ज़मीन? एक बालिश, यानी सिर्फ जो है 8-9 इंच अमूमन, इतनी ज़मीन वो ले लेगा। लेकिन आज तो ये मामला है कि लोग पूरी की पूरी हजम कर जाते, सरकारी भी ले लेते हो, बाड़ बनाओ और देख लो कोई नहीं है 4-5 साल बाद, तो फिर दीवार खड़ी कर दो, दीवार खड़ी के बाद मजबूत करो अंदर। और लोग जो है नई कॉलोनी कटी तो लोग उसके अंदर भी यही करते हैं, मकान बनाए सब चिपके सबके जो है 1200-1200 फीट के प्लॉट है, अब किसी ने सबसे पहले बनाया, अब सबसे पहले बनाया तो उसने किसी का हक मार लिया, क्या 1 फीट उसने इसका ले लिया, 2 फीट ले लिया, तब 2 फीट ले लिया तो अब वो दूसरा आया वो भी नापा गया, बोले यार इनने ले लिया यहाँ बना लिया अब क्या करें, तो वो पड़ोस का ले लेता है, फिर वो बनाने आया तो वो उसका पड़ोस का ले लेता, और वो बेचारा वो जो किनारे पे गया तो वो जाता वो 1200 की 600 रह जाती उस, बोले मेरा कहाँ गया, तो बोले हम क्या करें, वो वहाँ से शुरू करा था तो भी क्या करता, मेरा थोड़ी कम करता है, उसने मेरा माना मेरा तुमने मार दिया, तुम्हारा मार लिया मैंने, तो मारते मारते बेचारे का उसका रह गया। वो मस्जिद जैसा मामला हो जाता कि भाई हमारी एक की चप्पल घूम गई तो दूसरे की पहन लो, वो तीसरे की पहन लेगा, वो चौथे की पहन लेगा, तो ऐसा मामला इसको मामूली ज़मीन, तो ज़मीन के ताल्लुक से अब इतनी आप फिट के अंदर बल्कि एकड़ में खा जाते लोग ज़मीन, सरकारी ज़मीनें खा जाते उस पर कब्जा कर लेते हैं, तो अब यहाँ एक बालिश पे ये अजाब इतना बड़ा, तो अब सोचे फिर एकड़ की, तो अब सोचे कितना वजन होगा उसका, तसव्वुर नहीं कर सकते, तो ये जुल्म होगा उस पर ये किया जाएगा। और अगर उसके अंदर कोई मजलूम हो तो मजलूम के ताल्लुक से तो सही मुस्लिम और बुखारी की रिवायत है, उसमें फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लम के मजलूम की बददुआ से बचो, क्योंकि उस पर जुल्म ना करो, क्योंकि अल्लाह और उसके बीच में कोई आड़ ही नहीं होती, पर्दा ही नहीं होता, जैसे ही वो बोलता है अल्लाह उसकी बात को सुन लेता है, उसकी दुआ को कबूल कर लेता है। और जो फिर अगर मजलूम का खा जाए, जो मजबूर आदमी है, जैसे आपने मकान बना रहे कोई तो आपने झोपड़ियाँ बेचारे वो घर नहीं है, जैसे तंबू तान के रह रहा तो निकाल के आपने उसको बाहर फेंक दिया, खाली करवा दिया, तो ये सारी चीज़ें, तो मजलूम आदमी उसका खाए तो फिर उसके लिए तो और ज़्यादा वही दे। इसी तरह जो है सही बुखारी की रिवायत है हदीस नंबर 2450
कि जिसने किसी की इज्जत उतारी, वो जिसका हक लिया, तो वो अपने आप को आज ही हलाल कर ले, यानी किया भी हो उसने कभी गलती से, उसके बाद इल्म आ गया, उसके पास दीन आ गया, अल्लाह का हुक्म उसके रसूल के फरमान उसके पास में आ गए, तो आज ही अपने आप को हलाल कर ले कि रोज़े का एक दिन ऐसा आएगा कि उस दिन ना दीरार चलेगा ना दिरहम चलेगा, कोई नेकी वहाँ पर खरीद नहीं सकते, एक नेकी नहीं खरीद सकेंगे, भली पूरी दुनिया और पूरी कायनात भी दे दें तो एक नेकी आप नहीं खरीद सके। तो अपने आप को हलाल कर ले, यानी किसी ने किसी की इज्जत उतारी है, किसी का हक लिया है तो वापस कर दे, किसी की इज्जत उतारी है तो उससे जाके माफ़ी मांग ले, वो अपने आप को हलाल कर ले, यानी पाक कर ले अपने आप को जो उस पर हराम चढ़ गया, नहीं तो उस दिन कोई चीज़ काम नहीं आएगी। और इसके ताल्लुक से अल्लाह के रसूल वसल्लम ने खुद ऐलान किया था इसके लिए, अल्लाह के रसूल वसल्लम ने, कि अगर मैंने किसी का कोई हक, मेरा मेरे पे अगर किसी का हक हो तो मुझसे आज ही ले ले, मुझसे आज ही ले ले, मैं किसी का हक नहीं दिला पाऊँगा। तो यहाँ पर अल्लाह के रसूल वसल्लम ने यह फरमाया, खुद के ताल्लुक से भी फरमाया, तो हक इतने ज़्यादा हक की जो है अहमियत हमको इसमें मिलती है। उसी तरह सही मुस्लिम की रवायत है, अल्लाह के रसूल वसल्लम ने फरमाया हदीस नंबर 353 कि जो कस्म के जरिए से किसी एक मुसलमान का हक ले ले तो अल्लाह ने उस पर जन्नत हराम कर दी है, कसम के जरिए से। वो कसम के जरिए से क्या होता है कि आदमी जल्दी एतमाद कर लेता है, कसम कोई आदमी खा जाता है, आदमी आप या काम धंधे के अंदर ही आदमी कोई चीज़ बेचना है और वो कसम खा जाए कि वो बोले इतने में नहीं साहब, इतने में लूँगा मैं, वो 300 मांग रहा कह रहा कि नहीं 200 में, तो बोले नहीं अरे कसम अल्लाह की कसम इतने में तो आए ही नहीं, कसम से आपने क्या किया उससे 100 रुपये जा। अब उनने कह दिया ठीक है यार कसम खा लिया और क्या करेगा अल्लाह की, और दे दिया उसने 100 रुपये, आपने उससे ज़्यादा ले लिया, कसम के जरिए लिए जन्नत हराम कर लिया। तो इसके ताल्लुक से भी फरमाया, तो कसम के जरिए, क्योंकि कसम से क्या होता है आदमी जल्दी मान जाता, आखिरी चारा वही रहता है, उससे पहले वो समझाने की कोशिश करता है, नहीं मानता, तो कसम को खास एहतियात हमको इसमें करनी चाहिए। और यहाँ पर फिर साहबा ने आगे पूछा कि अगर कोई ऐसी मामूली चीज़ हो तो, कोई मामूली हक हो बिल्कुल ऐसा मामूली, तो उसके ताल्लुक से भी पूछा जाएगा, तो अल्लाह के रसूल सल्लम ने फरमाया कि चाहे वो पीलू की लकड़ी के बराबर क्यों ना हो। पीलू की लकड़ी किसको कहते हैं, मिसवाक कहते हैं ना, इतनी छोटी सी आती है 6-7 इंच की, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो पीलू की लकड़ी के बराबर भी हो तो उसको अभी जो है जुल्म किया इतना भी तो उस पर भी जन्नत हराम, तो इतना भी कोई जुल्म उस पर ना करे, तो यहाँ तक उभारा गया तो बड़े की तो बहुत दूर की बात है, पीलू की लकड़ी तक उभारा गया। और इसी तरह जो है यहाँ तक भी फरमाया गया कि ये मुस्नद अहमद और अबू दाऊद में रिवायत आती है कि कोई किसी मुसलमान के लिए हलाल नहीं है कि दूसरे मुसलमान को डराए, भयभीत करे, किसी भी चीज़ से डराए, यानी किसी चीज़ को डराए नहीं। और यह अहमद मुस्नद अहमद की रिवायत में यहाँ भी आता है कि किसी ने अगर किसी को दूसरे को तकलीफ भरे अंदाज में देखा तो ये भी हक मारा उसे, यानी किसी को इस तरह तकलीफ भरे अंदाज से, यानी ऐसा घूर के देख रहा हुआ समझ में पड़ी, हंस रहा है कि घूर रहा है, क्या कर रहा है, उसको तकलीफ हो रही है उससे, तो उसने भी उसका हक मारा। तो अब यहाँ पर हक मारने के यहाँ तक यानी डरा देना, अब इसके अंदर डराने के अंदर जो है आपको मालूम भी नहीं पड़ रहा, आप गेड़ी तेज चला रहे, जहाँ पर अगर हाईवे है और जहाँ पर स्पीड आपको दे रखी है परमिशन है कि भाई यहाँ पर 80 की स्पीड है, 120 की स्पीड है रोड की, आप वहाँ चलाइए, वहाँ कोई मसला नहीं, लेकिन आप सिटी से गुजर रहे हैं और आपने हॉर्न ऐसे गाड़ियों के अंदर लगाए हैं जो बहुत इंतहाई तेज है, जिससे लोग चमक जाते हैं, तो आप किसी के पास से निकले और कोई बात कर रहे हैं और आपने उसके पास से जोर से हॉर्न बजा के आपने निकला, और ये तेज गाड़ी चला के निकला, वो ढेर गया, ये हक मारना हो गया, क्योंकि वो डर गया, डरा तो ये भी हक मारना है। जो उनसे हॉर्न बजा दिया उसको घबराहट आई, तकलीफ हो गई, बूढ़ा आदमी है और आपने तेज हॉर्न बजाया, वो घबरा गया, ये हक मारना, आपको नहीं पता चला, आप तो बजा कर निकल गए। और ये आज तो नया ट्रेंड है, ये ट्रेंड है, ये छोटी सिटियों में भी आ गया, बड़े में तो था कि लोग इतनी तेज गाड़ियाँ चलाते, साइलेंसर अच्छे ऐसे लगाते जो आवाज़ अच्छी करे, वो वाले साइलेंसर इसको बोलते मौत के कुएं वाले, ताकि तेज आवाज़ आए, उसको चला रहे हैं, हॉर्न तेज वाले लगाते हैं, तो ये सारी चीज़ें लोगों को तकलीफ दे रही हैं, और तकलीफ दे रही हैं तो ये फिर सारी चीज़ें तो वही हक मानना, क्योंकि इससे आप तेज लगा कर अगर आप निकले, एक बच्चे को उसकी माँ ने बड़ी मुश्किल से सुलाया, वो खुद परेशान हो रही, बीमार था, कोई बूढ़ा था, बड़ी मुश्किल से उसकी आँख लगी, जैसे तैसे वो, क्योंकि बूढ़ों लोगों को बेचारे को नींद भी नहीं आती, रात भर वो जगह पड़े रहते हैं, अब दिन में जैसे तैसे उसको नींद ही आई थी और आपने तेज गाड़ी चलाकर जोर से हॉर्न बजा दिया, उनकी नींद खोली, बच्चा रोने लगा, हक मारा, आपको तो पता भी नहीं, रोज़े कयामत सवार हो जाए। या फिर जो है आदमी ने शादियों के अंदर लोग फटाखे छोड़ रहे हैं, मुख्तलिफ कोई पार्टी जीत गई तो फटाखे छोड़ रहे हैं,
ढोल नगाड़े जोर जोर से बजा रहे हैं, हालांकि कोई लेना देना नहीं है, पूरी सिटी में वो जुलूस घुमा रहे हैं, पूरी सिटी के अंदर शादी हो रही है, शादी उसके मोहल्ले में हो रही है, वो पूरे 50 मोहल्लों से गुजर रहा, वो उसके उसकी शादी से किसी को लेना देना भी नहीं, चलो पूरे शहर को बुलाता था तो सोचे ठीक है खाना खिलाएगा तो सहन कर लो, इतना तो ढोल बजा रहा फटाके छोड़ो, वो किसी को नहीं बुला रहा, लेकिन वो बेचारा परेशान सबको कर रहा है, फटाके छोड़ रहा है, बच्चे उठ रहे हैं, अब शादी उसकी हो रही है, दूसरे को परेशान, जोर जोर से बैंड बजा रहा है, जो है ढोल पीट रहे हैं, वो दूसरे परेशान, तो ये परेशान, ये सारी चीज़ें, तो ये सब चीज़ें उसके अंदर हो रही है। या फिर लोग जो बंदूकें छोड़ रहे हैं गाँव के अंदर, तो होता है बंदूकें भी छोड़ी जा रही है वहाँ पर, आदमी तो उससे तो अच्छे से आदमी दहशत में आ जाता है, वो कई हादसे हुए भी हैं, देखे होंगे सोशल मीडिया आम है, लोग बंदूकें चला रहे थे, दूल्हे ही मर गया, दूल्हे को मार दिया बचाओ जिसकी शादी में गई थी, दूल्हे के बाप को मार दिया, कितने केसेस आते, तो ये ऐसे काम आप कर रहे हैं और फिर ये अब ये तो फिर खून हो रहे हैं इसके अंदर, हक मारना, तो ये तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए इस्लाम ने उभारा कि ऐसे हक भी ना मारा जाए कि आपकी वजह से किसी को तकलीफ हो, और उसके अंदर फिर ये ही नहीं है, इन चीज़ों से इंसान को तो होती है, इसके अलावा दूसरी को भी तकलीफ होती है, यानी परिंदों को तकलीफ होती है, आप रात के अंदर आप देखिए परिंदे सारे पेड़ पर बैठे हुए हैं या जो है तारों पर पोल के ऊपर बैठे हुए रहते हैं, और आपने जाकर वो फटाका छोड़ दिया, अब वो बेचारे रात को बिट्टू कबूतर सारे उड़ के भाग गए, अब उनको ना रात को दिख रहा है, ना वो किधर से टकरा रहे हैं, जख्मी हो रहे हैं, गिर रहे हैं, उनके बच्चे थे छोटे, उनको उड़ना ही नहीं आ रहा, वो धमाके की वजह से नीचे गिर गए, जानो उनको उठा के ले जा रहे हैं, ये सारे कौन, ये आपको नहीं मालूम पड़ रहा है, एक फटाका आपने छोड़ा, आपको नहीं पता कि उसका क्या हुआ, आपने जोर से हार्न बजाया उसका क्या क्या इफेक्ट पड़ा आपको मालूम ही नहीं, कितने लोगों का इफेक्ट पड़ा, कि वो बच्चा उड़ गया, वो बूढ़ा बेचारा सो रहा था वो उड़ गया, बीमार था वो परेशान हो गया, परिंदे वहाँ से उड़ गए उनका हक मर गया, कितने सारे को तकलीफ हुई आपको पता भी नहीं कि इतनी सी आपको थोड़ी सी थोड़ा सा मजा लेने के लिए आपने कितने जनों को तकलीफ दी, तो ये सारे भी जो है हक है, या जो है आप हक ये मार रहे हैं कि आप अपना घर बना रहे, अपना घर बना रहे लेकिन सब पूरे मोहल्ले को तकलीफ, पूरा सामान बिखरा पड़ा, आज सब ईंटे इसके घर के सामने डाल दो, गिट्टी इसके सामने डाल दो, रेत इसके सामने डाल दो, और आपने पूरा जो इसको परेशान करके रख रखा है, सलियाँ उसके वहाँ पर डाल के रख रखा है, आप पूछिए अगर वो तैयार है उसके लिए कि भाई मैं थोड़ी सी जगह नहीं मैं इस्तेमाल कर लूँ तो ठीक है, नहीं तो मना करें, इतना इतना ही मंगाए कि जितना आपको लगता है, तो ये चीज़ें भी सारी चीज़ें हक मारने में से, अगर उसको तकलीफ हो रही है उससे तो हक मारना हुआ, तो इसके अंदर भी हम, तो हम अगर ये सारी चीज़ें हैं बताया ये कि और भी कई चीज़ें इसमें बयान की जा सकती है, तो हम ये सब चीज़ें अगर ध्यान ना रखें और उसके बाद फिर हम हमारे रोज़े हमारी नमाज़ें और भी जकात और फिर हज करते रहें, तो फिर हमको सोचना चाहिए कि ये हमारी चीज़ें नमाज़ें रोज़े और ये हमको जन्नत नहीं ले जा सकते, क्योंकि अगर हमने लोगों के हक मारे हैं तो ये हक हमको लोगों के अदा करना ज़रूरी है, इसी तरह जो है और मुसलमान के मुसलमान पर हक, ये भी हक में से अंदर से, ये भी हुकूक के अंदर से ही आता है, कि इसमें फरमाया गया है कि सही मुस्लिम की रिवायत है हदीस नंबर 565 के मुसलमान 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 के मुसलमान पर 6 हक है, एक में 5 की भी रिवायत आती है और एक में 6 के आते हैं, तो 6 वाली इसके अंदर फरमाया गया कि उसके 5 6 हक है, 6 हक क्या है कि जब वो सलाम करे तो उसका जवाब दे, हक में से, अगर हक सलाम का जवाब नहीं देता तो हक मारता है मुसलमान का, वो अगर बीमार हो जाए तो उसके आयत को जाए, यानी वो बीमार हो जाए तो उसकी मुजाज पोशी को उसको पूछने के लिए जाए, उसकी तबीयत की पूछने के लिए, पिकनिक मनाने ना जाए, ये तो आदमी जाकर ऐसे बैठते हैं आजकल अस्पताल के अंदर के खाना वाना सब वहीं पर और बैठा ही हो, यानी किसी उसकी तबीयत पानी 5-7 मिनट पूछा और आ जाए उसको तसल्ली देकर, और जब वो मर जाए तो जनाजे में उसके साथ में जाए, यानी उसकी जनाजे के पीछे चले, वो दावत दे तो कबूल करे, यानी खाने के अगर वो बुलाए और कोई शरी उज्र नहीं है और खाना भी हलाल है तो फिर वो उस खाने को उस दावत को कबूल करे, इसी तरह जो अगर वो छींक आए तो छींक का उसका जवाब दे, यानी वो छींक आए तो पहले तो वो कहे कि अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद में उसको कहे रहमत अल्लाह कि अल्लाह ने तुझ पर रहम किया, फिर उसके बाद में वो इजाफी जवाब भी उसमें दे, इस तरह जो है उस वो जब उससे खैर ख्वाही तलब करे तो खैर ख्वाही उसको दे, मशवरा दे, यानी अगर उससे खैर ख्वाही तलब कर रहा है कि यार ये फला काम मैं शुरू कर रहा हूँ ये ज़मीन ले लूँ क्या, तो आप उसको अच्छी खैर ख्वाही देना है, ये नहीं कि आप सोचे कि चलो ये बोल रहा है चलो इसको फंसाओ इस ज़मीन के अंदर, मालूम है पहले से ही विवाद में तो इसको भी डाल दो इसके अंदर बर्बाद हो जाएगा, या कोई आपसे पूछ रहा है कि यार मेरे बच्चे के लिए अच्छा कॉलेज बताओ यार ये इतना है तो बोले आपका बच्चा कौन से कहा, अरे मेरा बच्चा तो जाता है तो बेकार है, आपने डाला क्यों बेकार है, बोले नहीं मेरे इसमें चल जाएगा तो कॉम्पिटिशन हो जाएगा मेरे बच्चे के साथ ये पढ़ने में अच्छा है दूसरे में भेज दो, तो ये खैर ख्वाही तलब की आप तो खैर ख्वाही करें उस, तो खैर ख्वाही करना है,
हर चीज़ के अंदर खैरख्वाही करना है, तो मुसलमान के मुसलमान पर छेक हक है, इसको ये अदा करना है। और भी जो कई चीज़ें, अब हक के अंदर हक देना है, लेकिन हक को शुरुआत कैसे की जाएगी, कैसे उसके हक अदा किए जाएंगे, तो हक की जो तरतीब होती है कि हक देने की तरतीब, तो सबसे पहले ये है कि सबसे पहले हक होते हैं रिश्तेदारों के, और रिश्तेदारों में सबसे पहला हक किसका है, वालिदैन का, माँ बाप का, सबसे पहले उनके हक अदा करना है। उसकी वजह कुरान के अंदर और हदीस के अंदर बहुत सारी आई है कि सबसे पहले उनका हक अदा करें, उसके बाद फिर बीवी का हक अदा करें, फिर उसके बाद बच्चों का, उसके बाद में उसके भाई और उसके बहन का, और उसके बाद फिर उसके बाद उनके रिश्तेदार, और उसके रिश्तेदार दूर के करीब के, वो इस तरीके से पूरे रिश्तेदार उसके उसके अंदर आ जाएंगे। फिर हक किसका है, तो उसके बाद उसका हक है, फिर वो किसके हक अदा करना है, पड़ोसी के, पड़ोसी के यानी कि जो उसके पास में रहते हैं, उसके पास में रहते हैं वो, फिर उसके बाद पूरे जो माशे उसका जो मोहल्ला है, कॉलोनी है उसके, वो जो सारे पड़ोसी है उसके हक अदा करना है, ये उसके अंदर शामिल है। पड़ोसी वो भी है, पड़ोसी यही नहीं है, पड़ोसी वो भी होता है जो टेम्परेरी होता है। टेम्परेरी आप कहीं पर गए इंटरव्यू के लिए और आप वहाँ जाकर बैठ गए, और वहाँ पर आपके पास में दो आदमी और बैठ गए, वो भी इसीलिए आए, तो वहाँ पर भी उसके हक अदा करना है। वहाँ आदमी ये ना झूठ बोल के उसको भगा दे, बोले कितना टाइम, बोले 2 घंटे से बैठा, बोले कि भी 5 मिनट आए, बोले नहीं आना है 5 बजे तक, तो आने ही नहीं है नंबर, कुछ काम हो तो करिया हो, और उसको पहुँचा दिया ताकि मेरा नंबर जल्दी आ जाए। तो ये भी हक मान, ये पड़ोसी है ना आपका, वो टेम्परेरी पड़ोसी है, तो उसको भी आपको, या मुसाफिर भी हो गया आप बस ट्रेन में जा रहे हैं, तो उसके हक भी बरोबर आपको देना, ये नहीं कि आपने वहाँ पर नहीं, तो वहाँ पर तो बड़ा मामला होता है, ट्रेन के अंदर फिल के बैठ गए, बस के अंदर बैठा ही नहीं कोई, वो 3 की सीट है और ये पहले से बैठा हुआ, कोई आगे पिछला कोई बैठा है, हाँ अरे भाई कोई नहीं आने वाला, लेकिन उसको शक्ल पसंद नहीं आई उसकी, अरे इसको कहाँ बैठा है, मोटा है, अपनों को भीचेगा, तो इसको क्या करो, वो चलता करो, नहीं वो आ रहे अभी आ रहे, बेवजह रूमाल रख दिया कि अभी पड़ा रहने दो, जब बस चल जाएगी तब तो उठा लेंगे, कोई अच्छा आएगा तो उसको बिठा लेंगे। तो ये भी पड़ोसी है, टेम्परेरी पड़ोसी है, तो इनके भी हक उसको अदा करना है। इस तरह फिर मुसाफिरों के हक दें, यानी मुसाफिर की मदद करें, अगर उसका कुछ जेब कट गया, किसी ने लूट लिया, या आपसे वो किसी चीज़ का पता पूछ रहा है, तो आपको सही पता बताएं, यानी गलत उसको आप रहनुमाई करें, तो उसके भी जो है हक दे। इस तरह फिर मुसलमान के हक फिर आ जाएंगे, ये तो उमूम आ गए सारे। अब इसके अंदर वालिदैन चाहे मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम, लेकिन हक उन्हीं का आएगा। रिश्तेदार चाहे मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम हो, आपके आप मुसलमान हैं लेकिन आपके रिश्तेदार गैर मुस्लिम है, तो भी उनका भी वही हक आएगा, वही तरतीब वही रहेगी उसके अंदर। ये पड़ोसी हो चाहे मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम हो, उसके आपको हक देना पड़ेंगे। इसी तरह जो है उसके बाद में मुसाफिर है, उसके आ जाएंगे, और उसके बाद फिर मुसलमानों के हक आएंगे कि मुसलमान फिर मुसलमानों के हक दे, उसके बाद गैर मुस्लिमों के भी हक उसके अंदर शामिल है, उसके बाद फिर वो बहुत सारी चीज़ों के हक आते हैं, यानी हम कितने सारे हक इसमें बता सकते हैं, आ सकते हैं। इसे मजदूरों के हक दें, मजदूर का हक क्या है कि वो उसका पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी दे दे, ये उसका हक है, ये नहीं कि आपके कहाँ अभी आया बैठा अभी देंगे ना क्या तुम शाम को ले जाना, नहीं पसीना सूखने से पहले देना, नहीं तो हक मारना होगा। हो सकता है उसको बेचारे को खाना ही नहीं खाया हो, पहले ही आपके यहाँ लेकर आया और आपने कह दिया कि शाम को ले जाना, उसी वक्त आपको तो देना है, हो सकता है कि उसको खाना खाना हो बेचारे को, आप देंगे तो ही खाएगा, सुबह से पहले ही आप उसकी गिरा खो, तो उसी वक्त दे दे जब तक उसका पसीना नहीं सूखे, जैसे काम हुआ ये लाओ भाई साहब के पैसे। तो ये इसी तरह और भी कई चीज़ें जो हक के ताल्लुक से, क्योंकि बहुत बड़ा उनवान है, छोटा उनवान नहीं, अगर इसको एपिसोड में लिया जाए तो उसके तो 10-10 एपिसोड बन सकते हैं, इतना बड़ा ये उनवान है। तो चंद बातें थी जिस उनवान के ताल्लुक से रखी, आखिर में अल्लाह से दुआ है कि जो कुछ कहा और सुना गया उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह जब तक जिंदा रखे ईमान इस्लाम पर जिंदा रखे, अल्लाह जब मौत दे साल में मौत दे, अल्लाह हमसे राजी हो, अल्लाह से राजी हो, आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।